तो अभी मैं बना रही हूँ हांडी के अंदर आलू मेथी की सब्जी। और ये हांडी मुझे मिली थी, मैंने कबूली वाले के यहाँ से कबूली मंगवाई थी, उसी के साथ ये हांडी आई थी। इस हांडी के अंदर कबूली आई थी तो मैंने इसे धो करके काम में ले लिया है। मैं हमेशा इसी में सब्जी बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ। आज मैं इसमें बना रही हूँ आलू मेथी। और अभी घर का सारा काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ थोड़ी देर धूप में। धूप में बैठकर मैं लगाऊंगी थोड़ी देर बॉडी लोशन, बाल सुखा लूँगी और उसके बाद फिर से शुरू करूँगी थोड़ा बहुत घर का काम। और मैंने हर्षू का कोट पैंट ड्राई क्लीन करवाया था क्योंकि उसको जो रोए चिपक गए थे तो ड्राई क्लीन होके आ गया है। तो मैंने सोचा मैं इसके साथ ही इसको अलमारी में हैंग कर दूंगी, कवर में नहीं डालूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी प्लास्टिक के कवर में है तो क्यों इसको निकालती हूँ। तो इसके साथ ही इसको रख दूंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ मेरे लिए चीज़ सैंडविच, क्योंकि सुबह मैंने आपने देखा ही था मैंने बनाई थी मेथी आलू जो कि पतिदेव के टिफिन में डाल दिया है और मैं आलू खाती नहीं हूँ। तो मैं मेरे लिए चीज़ सैंडविच बनाऊंगी जिसके लिए मैंने इसके अंदर प्याज हरी मिर्ची को चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने इसमें हरा धनिया काट दिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और हम थोड़ा सा इसमें इटालियन हर्ब्स डालेंगे। और मेरे पास अभी चाट मसाला ख़त्म हो गया है, अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और मैं अभी लूँगी ब्रेड, मेरे पास ब्रेड थोड़ी छोटी है, सैंडविच वाली ब्रेड नहीं है, छोटी छोटी ब्रेड है, लेकिन मैं इसी से सैंडविच बना लूँगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे धनिया की चटनी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी ब्रेड जो सोगी हो जाएगी, एकदम गीली गीली हो जाएगी, सैंडविच अच्छा नहीं बनेगा। तो बस जरा जरा सी लगा के फैला देंगे और फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम एक चीज स्लाइस। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग तवे पे जब ना सैंडविच सेकते हैं तो हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका जो चीज़ है बहुत अच्छे से मेल्ट होके आएगा। और अब हम इसमें जो सब्जियां हमने चॉप की है वो डालेंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमने प्याज और चॉप किए थे वो इस पे डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें और सब्जियां भी डाल सकते हो लेकिन मुझे बस इतनी पसंद है तो मैं ज्यादा सब्जियां नहीं डालूंगी। और ये ब्रेड इसके ऊपर रखेंगे और ध्यान रखिएगा तवा हमने रख दिया है और गैस को एकदम लो रख दिया, एकदम सिम, जो सबसे कम जलता है गैस। कई बार होता है ना हमारे पास जो भी गैस होता है, तीन चूल्हे होते हैं उसमें सबसे कम जलने वाला होता है, तो बस ये है जो मेरे सबसे कम जलता है और इसको भी मैंने एकदम कम कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा बटर डालेंगे तवे पे, डाल दिया। और ये रखेंगे सैंडविच और ये जो ढक्कन है ये इसके ऊपर उल्टा रख देंगे। अंदर से ये नहीं है कि पूरा कवर करे, वह यहां से हवा ना निकले, निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इसको रख देंगे और इसको धीमी धीमी आंच पे सिकने देंगे। और जब ये सिक जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी बटर लगा देंगे और फिर आप देखोगे कि बहुत अच्छे से चीज मेल्ट होगा और ये सैंडविच बहुत टेस्टी बनता है। आप जरूर बनाइएगा। अगर आपके पास चीज स्लाइस है तो ठीक है और नहीं है तो आप चीज क्यूब भी ले सकते हो, जो छोटे छोटे क्यूब्स आते हैं। ये सिक रहा है तब तक मैं दूसरा वाला भी तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा सैंडविच तैयार है। और यहाँ मैंने दूसरा सैंडविच सिकने के लिए रख दिया है और मैं बनाने वाली हूँ एक मीठा सैंडविच जिस पे मैंने डाला है हर्षी सिरप और मैं डालूंगी थोड़ा सा नटेला। एक सैंडविच मीठा भी बनाऊंगी, बहुत कम बनाती हूँ मैं ये वाला सैंडविच, बहुत ही रेयर, कोई महीने 2 महीने में एक बार खाती हूँ ये वाला। बाकी ये हम 15 दिन में या 10 दिन में एक बार बना ही लेते हैं, कभी होता है 7 दिन में भी बना लेते हैं। नटेला तो लगभग खत्म ही हो गया, थोड़ा सा ही है पर मेरा सैंडविच तो बन ही जाएगा। अब हम सेकेंगे ये नटेला और हर्षी सिरप वाला, इसमें थोड़ा सा बटर लगाएंगे। अगर आपके पास डेयरी मिल्क या कोई भी डार्क चॉकलेट है तो आप वो भी डाल सकते हो।
मुंबई में तो ठेले वाले बहुत बेचते हैं ये वाला सैंडविच, मीठे वाला जबरदस्त बनाते हैं वो लोग भी। तो बस इसको हम सेक लेंगे और फिर खा लेंगे। आज सुबह आपने देखा मैंने बनाया था हांडी के अंदर सब्जी मेथी और आलू की, क्योंकि पतिदेव ने बोला है अभी 3 महीने तक कोशिश कर कि सब्जी मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर हांडी में ही बनाए। और मेरे पास 2 हांडी है, एक छोटी एक बड़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटी वाली हांडी में तो मैं रोज चाय बनाऊंगी सुबह शाम। अभी देखो इसको कितना मैं फॉलो करूंगी। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग एक रूटीन बनाते हैं लेकिन थोड़े दिन चलता है, उसके बाद सब गुड़ गोबर हो जाता है। तो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अभी 3 महीने हांडी में ही, मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाऊं, मिट्टी के बर्तन में चाय पीऊं। और खाने के लिए मिट्टी के बर्तन मेरे पास नहीं है तो वो जल्दी लेकर के आ जाऊंगी मैं। और क्योंकि मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि रिसर्च हुई है 3 महीने, अगर आप किसी के ऊपर किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा कि साइंटिस्ट ने, कि 3 महीने उन्हें मिट्टी के बर्तन में बनाया खाना, मिट्टी के बर्तन में खिलाया, तो इनके हेल्थ पे काफ़ी फर्क पड़ा, डायबिटीज और बीपी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी खत्म हो गई। तो बस अब मेरी भी यही कोशिश रहेगी जब तक मैं बना पाऊंगी या कब तक रूटीन फॉलो कर पाऊंगी तब तक। तो चलिए अभी मैं खाना वाना खा के और फिर आपसे मिलती हूँ। ये जो सैंडविच है ना, शायद मैंने पहले भी बोल दिया कि बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन रियली बहुत टेस्टी बनता है, आप जरूर बनाइएगा। और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में सैंडविच तैयार हो जाता है। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में खा सकते हो, डिनर में तो मत खाइएगा क्योंकि थोड़ा हैवी है, चीज़ है इसके अंदर। लेकिन तो अभी मैं बनाने वाली हूँ चाय, 4 बजे है, चाय का टाइम हो गया है। और मैंने बोला था मेरे पास हांडी है 2, लेकिन मैंने जब चेक किया तो मेरे पास 2 नहीं 3 हांडियाँ हैं। एक तो ये है जिस पे मैंने सुबह सब्जी बनाई थी, ये सब्जी बनाने के बाद यहाँ से ना काली हो जाती है, मैं साफ करती हूँ पर साफ होती नहीं है, लेकिन वैसे साफ हो जाती है पर ये जो कालापन है ना वो नहीं जाता। एक ये है, ये भी कबूली वाला के यहाँ से कबूली मंगवाई थी उसमें आई थी। और एक ये है, ये भी कबूली वाला के यहाँ से कबूली मंगवाई थी तो उसमें आई थी। और एक ये छोटी सी है, ये छोटी तो मुझे पता नहीं क्या काम आएगी क्योंकि बहुत छोटी है, मैं 2 कप चाय भी नहीं बना सकती, देखेंगे ये क्या काम आएगी, इसको तो अभी मैं रख दूंगी। और ये इसमें मैं बनाऊंगी सब्जी, जब भी सब्जी बनाऊंगी। और इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय के लिए रख लूँ। एक बार मैंने इसे बहुत अच्छे से धो दिया है और खुशबू भी नहीं आ रही है सब्जी की किसी भी तरीके से, तो इसमें मैं चाय बनाया करूंगी और इसमें मैं बनाऊंगी सब्जी। और चाय बनाकर फिर से एक बार मैं अच्छे से धोऊंगी और इसमें मैं बनाऊंगी जीरा राइस, आज ही दाल और जीरा राइस। और यहाँ मैंने मूंग दाल भिगो दी है, जो बिना छिलके वाली धुली हुई मूंग दाल होती है उसे मैंने भिगो दिया है, क्योंकि आज इसी से मैं दाल बनाऊंगी और अभी मैं चाय बनाऊंगी इसके अंदर। और तो इसे रख देते हैं गैस पे और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध, देखते हैं चाय। वैसे तो मैं पहले बनाती थी चाय, काफी दिन हो गए छोड़ दी इसके अंदर, पहले मैं हांडी में चाय बनाती थी। और गुड़ डालेंगे और चाय पत्ती डालेंगे और जब चाय उबल जाएगी तो हम इसमें अदरक को किसके डाल देंगे, कद्दूकस करके डाल देंगे। और वैसे पुदीने वाली चाय भी अच्छी लगती है, अदरक और पुदीने को आप साथ में कूट के डाल दो वो भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं खाली अदरक वाली चाय पीऊंगी। और इसके साथ में एक ढक्कन भी आया था, ढक्कन तो तीनों पे आया था, दोनों का तो टूट गया, इसका एक बाकी है, तो हम इस तरीके से ढक्कन भी लगा सकते हैं खाना बनाकर। तो आज देखते हैं राइस और दाल कैसी बनती है। मैंने दाल तो पहले भी बनाई हुई है, दाल कढ़ी पनीर की सब्जी और भी काफी सब्जियां बनाई हुई है, लेकिन मैंने इसमें राइस कभी नहीं बनाए, तो आज राइस बना करके देखेंगे कैसे बनते हैं। और अभी चाय उबल गई है तो अदरक भी डाल देते हैं। तो अभी मैं पीऊंगी चाय और साथ में छीलूंगी लहसुन, जैसे इस टाइम मैं हमेशा लहसुन छील के रख लेती हूँ सुबह शाम के लिए, और साथ में चाय पीऊंगी और थोड़ी देर देखूंगी टीवी और उसके बाद बनाएंगे खाना और फिर से मिलूंगी थोड़ी देर में आपसे। तो अभी हम आ गए हैं किचन में और मैंने यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची काट ली है और लहसुन को कूट लिया है। अब हम बनाएंगे हांडी में दाल
और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने हांडी में चाय बना के पी थी, जब चाय बन रही थी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने चाय पी एक सिप तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आलू मेथी पी रही हूँ। तो हांडी के अंदर जो मैंने सब्जी बनाई थी उसका फ्लेवर चाय में भी आ गया। तो आप लोग ये गलती मत करना जो मैंने की है। अब मैं देखूंगी चाय के लिए मैं कोई दूसरा मिट्टी का बर्तन लेके आऊंगी, लेकिन इन बर्तनों में मैं चाय नहीं बनाऊंगी। हाँ, छोटी वाली हांडी में बना सकती हूँ, लेकिन वो काफी छोटी है, 2 कप चाय नहीं बनेगी। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है ये तो मैं खाना बनाने के काम में लूंगी, चाय के लिए देखूंगी कभी मार्केट गई तो मैं चाय बनाने के लिए और खाने के लिए और तवा रोटी बनाने के लिए जरूर लेकर के आऊंगी। चलो पहले हम दाल बना लेते हैं और आपको भी हांडी में दाल कैसे बनाऊंगी वो शेयर कर देते हैं। और आप लोग भी कोशिश करना, अगर आजू बाजू में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो जरूर लेके आइएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और हींग, और अब हम डालेंगे कुटा हुआ लहसुन और अदरक। और आप ध्यान रखिएगा मिट्टी का बर्तन गर्म होने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। और इन्हें हम पका लेंगे। मिट्टी के बर्तन में जब आप खाना बनाते हो ना तो उसका कुकिंग प्रोसेस है ना थोड़ा सा स्लो होता है। जैसे आप नॉर्मली स्टील के बर्तन में बनाओ या किसी भी बर्तन में बनाओ तो उसका कुकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, और जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो थोड़ा धीरे धीरे पकता है। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ प्याज को पकने में काफी समय लग रहा है, लेकिन वैसे तो लगभग अब पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी हम पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक और लाल मिर्च पाउडर। इसमें मसाले आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग मसाले तीखे खाते हैं, कुछ लोग फीका खाते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो। हल्दी और धनिया पाउडर, हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं तो मैं इसको थोड़ा सा तीखा स्पाइसी रखूंगी। और मसाले को पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, मिट्टी के बर्तन में खाना जरूर बनाइएगा। और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कभी मिट्टी के बर्तन में बना खाना खाया है तो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे मसाले को पका लेंगे। और यहाँ पर मसाला पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे दाल। और वैसे भी बोलते हैं कि कुकर में दाल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कुकर में दाल बनती नहीं है, पकती नहीं है, फट जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। और कोशिश करें कि कुकर कम से कम यूज़ करें। जैसे छोले और राजमा में तो चलो हमें ज़रूरी है उबालना, कुकर में सीटी ना लगाएंगे तो छोले राजमा पकने में बहुत ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन दाल तो हम इस तरीके से खुले बर्तन में पका ही सकते हैं। और पानी डाल देंगे और इसे मिला करके हम फ्लेम को लो कर देंगे। और लो फ्लेम पे हम दाल को अच्छे से पकाएंगे, और फिर हम जो घोटनी होती है विस्कर लकड़ी वाली वो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। पहले इसे धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं और हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। और अब हम बनाएंगे चावल जीरा राइस। उधर वाले गैस पे मैंने दाल को बनने के लिए रख दिया है, फ्लेम को एकदम लो कर दिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा तेल। तेल गरम होगा तो हम डालेंगे इसमें जीरा। तेल गरम हो गया है, अब हम डाल देंगे जीरा। और मिट्टी का बर्तन ज़्यादा गरम नहीं होता है, स्टील का बर्तन आप ऐसे पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन इसे मैं इजीली पकड़ के इस तरीके से घुमा सकती हूँ। और जैसे ही जीरा पकेगा हम डालेंगे इसमें पानी। सिंपल से जीरा राइस बनाऊंगी, इसमें कुछ नहीं डालूंगी, पानी डालूंगी, नमक डालूंगी, चावल डालूंगी और इसे अच्छे से पका लूंगी। और जब ये बन जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। तो अभी हम पानी डाल देंगे और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और जब पानी में उबाल आएगा तो हम इसमें डालेंगे चावल, और साथ में हम यहाँ दाल में ये घोटनी भी घुमा देंगे।
अच्छे से घोट देंगे दाल को। और अभी भी थोड़ी देर और पकने देंगे। और पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। और यहाँ पर हमारी दाल बन गई है, तो हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। यहाँ आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे दाल पक रही है इसकी जो खुशबू आ रही है मिट्टी के साथ, बहुत ही जबरदस्त आ रही है। दाल वाले गैस को हम बंद कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे। दाल हमारी तैयार है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चावल बनकर हो गए हैं तैयार। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन जब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे तो ये पानी भी सूख जाएगा। तो इसे मिला देंगे और आप देख सकते हैं चावल नीचे बिल्कुल भी चिपके नहीं है, एकदम परफेक्ट चावल बन गए हैं। तो बस अब हम इस पे लगाएंगे ढक्कन और 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये है मेरा आज का डिनर। मैंने लिया है राइस और दाल और थोड़ी सी धनिया की चटनी। और फिर मैं खाना खा करके आपसे मिलती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरा ब्लॉग शेयर जरूर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आपको मेरा कोई भी ब्लॉग कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन आता है उसे आप जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ब्लॉग अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।